हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ पौधे शेयर करूंगी जिसे कि अभी कटिंग से लगा के आप ढेर सारे पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। ऐसे पौधे जिसे कि अभी से स्टार्ट करके आप लगभग अप्रैल के मंथ तक कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। कुछ एक प्रिकॉशन भी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आप आगे जब भी कटिंग लगाएं तो उस पर ध्यान इस चीज़ को फॉलो करें, जन आपका कटिंग जो है वो 100% चलेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से पौधे की कटिंग है जिसे हम इस टाइम लगा सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा है वो है पिंक टिकोमा। ये आप देख सकते हैं इसमें नई ग्रोथ आ चुकी है, पूरी तरीके से प्लांट नई ग्रोथ से भर चुका है, तो बहुत ही जल्दी इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्लांट को भी कटिंग से आप लगा सकते हैं। पेंसिल जितनी मोटाई की कटिंग आपको लेनी है, ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके की, और लगभग 2 से 3 नोड आपको मिट्टी के अंदर डालना है, तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से कटिंग से लग जाता है। नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है ये वाला टिकोमा जो कि है गोरी चोरी। इसके सीड्स बनते हैं फ्रेंड्स। अगर सीड्स आपको मिलते हैं देन आप सीड्स से ग्रो कर सकते हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। अदरवाइज आप इसकी कटिंग भी इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल इसमें आते रहते हैं पूरे साल। परमानेंट पौधा है इसीलिए पूरे साल बना रहता है, और आसानी से आप इसे इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है हिबिस्कस। हिबिस्कस में भी आप देखेंगे अब फ्लावर्स आने लगे हैं, बर्ड्स काफ़ी अच्छे बन गए हैं, तो हिबिस्कस की भी कटिंग अभी आप इस टाइम लगा सकते हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। हिबिस्कस में चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, जो भी आपके पास है आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं। अगला पौधा फ्रेंड्स है जो कि है बोगनविला। बोगनविला की कटिंग इस टाइम आप ज़रूर ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट है और 12 महीने फूल देने वाला बहुत ही अच्छा पौधा है। अभी आप देखेंगे अगर आपके पुराने पौधे उसमें सब में फूल आ गए होंगे, फूल आने के बाद जब ये फूल झड़ जाए उसके बाद इसकी कटिंग लेके ज़रूर इसको लगाइए, जो कि बहुत जल्दी इसकी कटिंग लग जाती है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है चांदनी का। चांदनी के पौधे में भी अभी आप नई ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, और इस टाइम इसकी कटिंग लगाना बेस्टम बेस्ट होता है, यानी 100% रिजल्ट के साथ आपको इसका नया पौधा मिल जाएगा अगर आप इसकी कटिंग इस टाइम लगाते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स ये बुश क्लॉग वाइन। बुश क्लॉग वाइन को भी आप इस टाइम कटिंग से ज़रूर लगाइए। इसकी भी पेंसिल जितनी मोटाई की कटिंग लीजिए और लगभग 2-3 नोड आप इसको मिट्टी में डालिए। अदरवाइज़ आप इस तरह की पतली कटिंग भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से 3 नोड आपको मिट्टी में डालना है, तो इसकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। काफ़ी अच्छे फूल आते हैं, पूरे साल लगभग फूल आते रहते हैं, बट विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग इसी में देखने को मिलती है। अगला पौधा है फ्रेंड्स मधुकामनी का। मधुकामनी के पौधे को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा मेरा सीड से ग्रो किया हुआ है, लेकिन आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम इसकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए मधुकामनी के पौधे को भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट को भी इस टाइम आप कटिंग से ज़रूर ग्रो करिए, क्योंकि ये अभी आने वाले सीजन में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देने वाला है, तो इस प्लांट को ज़रूर ज़रूर कटिंग से ऐड करिए अपने गार्डन में। अगला पौधा है फ्रेंड्स क्रॉसेंड्रा। क्रॉसेंड्रा भी एक अच्छे फ्लावरिंग करने वाला पौधा है, तो इसे भी आप इस टाइम कटिंग से ज़रूर लगाइए। अगला पौधा है फ्रेंड्स कनेर का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेर को मैंने एक अलग अंदाज में ग्रो किया है, तो कनेर को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ आप कनेर के पौधे को भी इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है गोल्डन दुरंतो, यानी गोल्डन हैज जिसे हम बोलते हैं, तो ये वाला पौधा भी आप इस टाइम कटिंग से ज़रूर ग्रो करिए। ये आप देख सकते हैं एक पौधा मैंने कटिंग से ग्रो किया, बहुत ही अच्छी तरीके से कटिंग इसकी लग गई। फ्रेंड्स अगर करी पत्ता के पौधे को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो इस टाइम आप करी पत्ता के पौधे को भी ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें आप देखेंगे इस टाइम में फूल आ रहे होंगे, तो जब इसके सीड्स बने तो आप इसके सीड्स से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है विंका सदाबहार। इसे भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीड से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है कोलियस। कोलियस के पौधे की कटिंग तो इस टाइम ज़रूर ज़रूर ऐड करिए, ज़रूर ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये पौधा बहुत ही खूबसूरत कलर देने वाला है आने वाले सीजन में, और कटिंग इसकी बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए इस पौधे को जितनी चाहे कटिंग इस टाइम आप लगा सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स बेबी सनरोज़। आप यहाँ पर देख सकते हैं ढेरों पौधे मैंने लगाए थे, इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो इसकी कटिंग इस टाइम बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसे भी ज़रूर लगाइए।
अगला जो पौधा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है का क्रोटोन का। क्रोटोन की भी ढेर सारी कटिंग आप ज़रूर ऐड करिए अपने गार्डन में, क्योंकि जब गर्मियों में फूल कम होते हैं तो यही पौधे होते हैं जो हमारे गार्डन में कलर ऐड करते हैं। इसकी भी कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है इस टाइम, क्योंकि ये ग्रोथ टाइम है, तो कटिंग इसकी भी आप ज़रूर अपने गार्डन में इस टाइम ढेरों कटिंग लगा लीजिए। अगला पौधा है फ्रेंड्स लालसा का। लालसा के पौधे को भी कटिंग से बहुत जल्दी बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत जल्दी चल जाती है, तो इसे भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये भी गार्डन में काफ़ी अच्छा सा कलर ऐड करता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो प्लांट है वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट में भी आप देखेंगे इस टाइम काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने लगी है, न्यू ग्रोथ आप देख सकते हैं। जो विंटर सीजन में इसकी ग्रोथ थम जाती है, अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी भी कटिंग अभी आप इस टाइम लगा सकते हैं। अगर आप अडेनियम की कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं देन अडेनियम के प्लांट को भी आप इस टाइम कटिंग से लगा सकते हैं। मैंने कटिंग प्रूनिंग तो नहीं की, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे मेरे इस पौधे में बर्ड्स भी आना स्टार्ट हो चुका है, तो अडेनियम की कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है ये लैक्सीफ्लोरम का पौधा। ये भी पौधा फ्रेंड्स आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट के साथ आपको नया पौधा बन के आपके पास तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है ये एलामांडा। एलामांडा की अगर आपके पास कोई भी वैरायटी है उसे आप इस टाइम कटिंग से ग्रो करिए। जरूर यह ध्यान रखिए इस बात का कि कटिंग जब भी लगाएं 2 या 3 नोट जरूर मिट्टी के अंदर डालें, तभी पौधे की कटिंग आसानी से लग जाएगी। और उसके बाद अगर अपराजिता का पौधा लगाना चाहते हैं तो इसे आप अभी सीड से लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी इसकी सीड भी जर्मिनेट हो जाते हैं, ढेरों पौधे आपके बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पुराने पौधे जो मैंने कट कर दिए थे और अभी इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अगला पौधा है फ्रेंड्स चंपा का। अगर आपका चंपा का पौधा काफी लैगी हो गया है, काफी बड़ा हो गया है, तो इसे भी आप इस टाइम कटिंग से लगा लीजिए। मेरा ये नाग चंपा का पौधा काफी लंबा हो गया था, तो मैंने सारे ही पौधे को कट किया, कट करके सारे लगा लिए और सारे ही मेरे लग चुके हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स पेंसिल कैक्टस। इसे भी आप इस टाइम कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग लग जाती है। वैसे तो इसकी कटिंग आप कभी भी लगाइए लग जाती है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है मैक्सिकन हनी सकल का। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग इस टाइम इसमें हो रही है। इस पौधे के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसके स्टेम में ही काफ़ी रूट्स होते हैं, तो इसकी कटिंग 100% लगती ही लगती है, कभी भी आप लगा लीजिए, लेकिन इस टाइम इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, तो ज़रूर इसकी कटिंग लगाइए। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है मोगरा का, यानी जैस्मिन का। तो इस पौधे को भी आप कटिंग से इस टाइम लगा सकते हैं। इसकी भी इस पौधे में भी आप देखेंगे काफ़ी सारे न्यू ग्रोथ आपको दिखने को मिलेगी, तो इस पौधे को भी आप इस टाइम कटिंग से ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स सिंगोनियम का। इसकी भी कटिंग आप इस टाइम लगा के ढेरों इंडोर प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने घर को खूबसूरत बना सकें। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट को हम कैसे भूल सकते हैं, डोर्मेंसी पीरियड के बाद जब ये पौधा बाहर निकलता है तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको दिखने को मिलेगी, और इस पौधे को तो जरूर ही हम अपने गार्डन में कटिंग से ऐड करते हैं और गार्डन को खूबसूरत बनाते रहते हैं, तो इसे भी जरूर अपने गार्डन में कटिंग से ऐड करिए। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है ये वॉन्डरिंग ज्यू। वॉन्डरिंग ज्यू के पौधे को भी इस टाइम आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग भी लग जाती है। पुराना पौधा आप देखेंगे काफ़ी डल हो गया होगा, तो इस पौधे को आप अभी इस टाइम कटिंग से जरूर ऐड करिए। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन में आप देखेंगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। मेरा ये पौधा मैंने इंडोर रखा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो इस पौधे को भी आप इस टाइम कटिंग से ज़रूर ऐड करिए, जिससे कि ये आपके गार्डन में काफ़ी अच्छा सा कलर देगा। अगला पौधा है फ्रेंड्स ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में भी इस टाइम आप देखेंगे काफ़ी सारे रनर्स निकल रहे होंगे, तो नए नए पौधे बनाने का ये एकदम से राइट टाइम है, तो इसे भी आप इस टाइम अलग करिए इससे और ढेर सारे पौधे बना लीजिए। यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे पौधे मैंने अभी हाल फिलहाल ही तैयार किए हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ मेरे ये पौधे चल रहे हैं। वॉन्डरिंग ज्यू के पौधे को भी आप देख सकते हैं मैंने कटिंग से लगा लिया है और सारे ही पौधे मेरे लग गए हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है बोलिवियन ज्यू का। आप देखेंगे इस तरीके से डल हो गया होगा आपका पौधा, तो आप इसे भी कटिंग से लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने लगा लिया है और इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगी है। नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है मॉस रोज़। मॉस रोज़ के पुराने पौधे अगर आपके पास है तो जल्दी से उसकी कटिंग लगा लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में उसमें काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग होने वाली है, तो जितनी जल्दी आप इस पौधे को लगा लेंगे फ्लावरिंग भी आपको उतनी जल्दी ही मिल जाएगी। आप देखेंगे मैं कुछ कटिंग लगा चुकी हूँ और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी होने लगी है। आप देख सकते हैं न्यू ग्रोथ भी इसमें आने लगी है, तो आपने अगर अभी तक नहीं लगाया है देन लगा लीजिए। सेम प्रोसेस में फ्रेंड्स पोर्सलिन के भी कटिंग आप इस टाइम लगा लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको अच्छी खासी फ्लावरिंग दिखने को मिल जाए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है हैज प्लांट। हैज प्लांट भी जरूर आप कटिंग से ग्रो करिए, क्योंकि ये पौधा भी काफी ज्यादा कलर हमारे गार्डन में ऐड करता है और काफी
अच्छी तरीके से ग्रो होता है। कुछ पौधे मेरे काफी लैगी हो गए थे, आप देख सकते हैं मैंने सबको कट कर दिया और कट करके मैंने इसके सारे स्टेम को लगा लिया है। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक टर्टल वाइन नहीं लगाई है कटिंग से, तो टर्टल वाइन के पौधे को भी जरूर अपने गार्डन में ऐड करिए और कटिंग से लगा लीजिए। देख सकते हैं आप न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। सेम इसी तरीके से टैंगल हार्ट की भी आप देख सकते हैं न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो इन पौधों को भी अगर आपने कटिंग से अभी तक नहीं लगाया है देन फटाफट लगा लीजिए, क्योंकि ये समय बीत जाने के बाद फिर इन पौधों को आप लगा नहीं सकेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है पत्थर चट्टा का, इसे भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं ये है स्टारलाइट फाइकस, इसे भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। प्लांट की जब ग्रोथ पीरियड होती है, तो प्लांट जब हम ग्रोथ पीरियड के समय में कटिंग से ग्रो करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें काफी अच्छा मिलता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स के कटिंग लगाते वक्त किस बात का हमें ध्यान रखना है। कटिंग को फ्रेंड्स अगर आप अच्छे रिजल्ट के साथ लगाना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो इसे आप सिर्फ रेत में लगाइए, यानी रेतीली मिट्टी जिसमें सिर्फ रेत हो या फिर मिट्टी की मात्रा बहुत कम रखिए। मैं मैक्सिमम रेत में ही लगाती हूँ, मिट्टी मैं यूज नहीं करती हूँ और मुझे इसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। तो कोशिश करिए अगर आपकी कटिंग नहीं लगती है तो आप इसे रेत में लगाइए, सिर्फ और सिर्फ सैंड में लगाइए। और लगाने के बाद फ्रेंड्स इसे एकदम से सेपरेट ना रखिए, इसे किसी गमले के साथ रखिए, किसी गमले में रख दीजिए। जैसे आप देखेंगे काफ़ी सारी कटिंग मैं लगाती हूँ और उस पॉट को गमले में ही छोड़ देती हूँ, जिससे कि मॉइस्चर मिलते रहेगा प्लांट के साथ, उसे शेड भी मिलते रहेगा और छन छन के उसे धूप भी मिलती रहेगी। इस तरीके से करने से फ्रेंड्स मॉइस्चर लेवल बना रहता है, जिसके कारण प्लांट की कटिंग जो है बहुत जल्दी लग जाती है और रिजल्ट 100% मिलता है। तो सिर्फ इतना सा भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी जो कटिंग है, जो प्लांट की कटिंग आप लगाते हैं, वो 100% चलेगी ही चलेगी। तो इस तरीके से आप कटिंग लगाइए और फ्री में ढेर सारे पौधे अपने गार्डन में ऐड करिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड एक लाइक जरूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।